हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि इग्नू के एमबीए में स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। किसी को मार्केटिंग करना है, किसी को एचआरएम करना है, किसी को फाइनेंस करना है, किसी को ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। तो ये काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप जो है अगर चैनल पे नए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इग्नू से रिलेटेड आपको अपडेट दिया जाता है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी टाइम से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं पुराने एमबीए की बात करूँगा, जिन्होंने इंट्रेंस टेस्ट दे के जनवरी उससे पहले एडमिशन दिया है। तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। देखो, इसमें एचआरएम में आप कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिस में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई भी जो है स्ट्रीम पुराने वाले उसके अंदर में नहीं है। एमबीए की जो इग्नू के अंदर स्ट्रीम है, यही चार पांच स्ट्रीम है, इसी में आपको जो है अपना एमबीए कंप्लीट करना है। जब आप एडमिशन लेते हो तो सबसे पहली बात है कि जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड आप करते हो एक साल तक, वो सारे के सारे कम्बाइन कोड होते हैं, वो सभी जो है कंपलसरी कोड होते हैं। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर यानी कि एक साल तक आपको बेसिक कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, उसमें आपको कोई भी स्ट्रीम जो है आप सिलेक्ट नहीं करते। आप सोचते हैं कि मैं एडमिशन लेते टाइम एमबीए एचआरएम एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट ऐसे करके सिलेक्ट कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल जो है एमपी या एमबीए जो प्रोग्राम है उसमें आपको एडमिशन लेना होता है और बाद में जो है जो इसको आप सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है सेमेस्टर थर्ड में जाके आपको अपने स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड में आपको अपना स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स करना पड़ता है और सेमेस्टर फोर में जाके यानी कि तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको जो है अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है। सेम जो है जो नया एडमिशन है विदाउट एंट्रेंस वाला हो रहा है, जो इसी साल जुलाई से कंप्लीट हुआ है, उसमें भी है जो सेम है, जो पहला सेमेस्टर के कोर्स है वो कंपलसरी कोर्स है, साथ सेकंड सेमेस्टर में जो कोर्स है वो भी कंपलसरी कोर्स है पूरे के पूरे। तो आपको जो एडमिशन जो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है वो तीसरे सेमेस्टर से जाके करनी है। तीसरे सेमेस्टर में भी दो कोर्स जो है सभी के सेम रहते हैं, तीन कोर्स। आपको पहले चार कोर्स जो है यहाँ पे आपको जो है तीसरे सेमेस्टर में मिलेंगे और तीन कोर्स जो है आपको चौथे सेमेस्टर में मिलेंगे। टोटल सात जो कोर्स हैं वो आपको अपनी स्ट्रीम से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सात कोर्स जो हैं, जो पुराने वाले में भी ऐसे ही था, आपको पांच कोर करने थे अपनी स्ट्रीम से कंप्लीट, पांच छह कोर, और जो नया वाला एमबीए है उसमें भी थर्ड सेमेस्टर में ही जाके आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी। तो ये थी इग्नू के बारे में अपडेट। सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब करके रखे ताकि कोई भी इशू आने पर आपको, तो आपको मन का डाउट निकल गया, आपको जो है बेसिक कोर्स करने हैं पहले दो सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में जाके जो है आपको अपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें जो है जैसे मैं आपको पूरे इसमें बता देता हूँ, जैसे एचआरएम वाले कह रहे थे कि हम कैसे करेंगे, तो एचआरएम वालों को यहाँ से एमएस 23 से लेकर एमएस 29 तक आप कोई भी कोड ले सकते हैं अपने कंप्लीट करने के लिए। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले हैं वो 41 से लेकर 46 तक उसको अपने तीसरे सेमेस्टर में सेलेक्ट करना है, और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले हैं उनको 51 से लेकर 58 तक अपने जो है सेलेक्ट करके रखना है, थर्ड सेमेस्टर में सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपको आधे उसके लिए लिया आधे उसके लिए लिया, ऐसे नहीं करना है। जिस स्ट्रीम में आपको कंप्लीट करना है थर्ड सेमेस्टर में जो है उसी में से चूज करना है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट में है तो उनको 61 से लेके 612 तक के बीच में, 68 के बाद 611 और 612, इनमें से आपको कोई लेना है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आप एमबीए करोगे तो एमएफपी 1 से लेके एमएफपी 5 तक आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर में जाके सेलेक्ट करना है, इससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने बेसिक कोर्सेज करना है। तो अब आप समझ गए हो कि आपको एमबीए इग्नू में एमबीए के अंदर आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, तो इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ कॉमेंट कर सकते हैं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यार पक्का लाइक करो। थैंक यू।